दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको कुर्ती के फ्रंट और बैक दोनों पे डिजाइन बनाने का तरीका बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये देखिए, मैंने कुर्ती पहले से कट कर रखी है और इसके दोनों हिस्से ले रखे हैं, ये देखिए। और इसका तीरा मैंने रखा है 7 इंच और आर्म होल भी मैंने 7 इंच रखा है। इसको तैयारी जो चेस्ट मेरे को रखनी है वो है 35 इंच, जिसका चौथा हिस्सा 9.5 इंच, 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिया है। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसमें मैं वोट ने गले का डिजाइन बनाऊंगी, क्योंकि हमारे पास जो ये पट्टी है वर्क वाली, इसमें बड़ा गला बनाने से ये पट्टी कटिंग में चली जाएगी, इसलिए इस पे वोट ने गला बनाऊंगी। वोट ने गले के लिए हमें इनको दोनों हिस्सों को, आगे और पीछे के हिस्सों को इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ से तीरे की साइड हमें ये देखिए 4.25 इंच पे निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और जो गले की लंबाई है वो रखेंगे हम 3.5 इंच। वोट नेक में 3.5 या 4 इंच ही रख सकते हैं, इसे ज्यादा नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं वो 3.5 या फिर 4 इंच। अब इसको इस प्रकार से गोलाई में घुमाते हुए कट कर देंगे दोनों हिस्सों को साथ में ही इस प्रकार से, और इसको सीधा करेंगे। ये मेरे पास आगे का हिस्सा है, ये देखिए, इसमें जो ये पट्टी है ये कटिंग में थोड़ी सी ही कटी है। ये देखिए, मैंने आगे के हिस्से को सीधा कर लिया है और अब पहले आगे के हिस्से पे डिजाइन बनाऊंगी, बाद में पीछे के हिस्से पे बनाऊंगी। डिजाइन के लिए मैंने ये एक पट्टी कट की है, जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और लंबाई जो ये गला है इससे लगभग 2 गुना ज्यादा। और ये 2 पट्टियां मैंने पूरे पट्टी कट की हैं। अब हमें करना क्या है, इस पट्टी को लेंगे और इसको इस प्रकार से गले के साथ अटैच करेंगे और फिर ये दूसरे वाली पट्टी है इसको लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं सिलाई लगा देती हूँ इस प्रकार से। अब हमें जो ये नीचे वाली पट्टी है, जिसको मैंने डबल फोल्ड कर रखा है, ये देखिए 2.5 इंच की थी, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया। अब इसमें छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे इस प्रकार से, ये देखिए, बिल्कुल बराबर बराबर दोनों साइड से कपड़ा उठाते हुए। और फिर ये पट्टी इस प्रकार से ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। और फिर से इस प्रकार से एक एक प्लेट्स डालते हुए, प्लेट्स बिल्कुल बराबर आनी चाहिए दोनों साइड से। ये बहुत ही सुंदर बनने वाला है डिजाइन, ये डिजाइन बिल्कुल सिंपल है। इसको बनाने में हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और ना ही ज्यादा टाइम लगेगा, बिल्कुल आराम से बन सकता है ये। ये डिजाइन लगभग रेडीमेड कुर्तों वगैरह में ही आता है, ये देखिए, बिल्कुल बराबर बराबर एक साथ हम 4 या 5 प्लेट्स डाल लेंगे और फिर से सिलाई लगाएंगे। और इसी प्रकार धीरे धीरे मशीन को रोकते हुए एक एक करके प्लेट्स डालेंगे। ये देखिए, ये
ये डिजाइन बिल्कुल कॉलर के रूप में आएगा। अगर आपको कॉलर सेट करनी नहीं आती तो ये डिजाइन आराम से बन सकता है और ये कॉलर जैसा ही लगेगा। इस प्रकार से गोलाई में घुमाते हुए प्लेट डालेंगे। इसीलिए हमने ये उरे पट्टी कट की है। क्योंकि उरे पट्टी में फिनिशिंग ज्यादा आएगी। ये देखिए इस प्रकार से, और अब इसको कट कर देंगे। और अब जो ये पट्टी है, उरे पट्टी जो मैंने लगाई थी, इसको इस प्रकार से फोल्ड करते हुए, ये देखिए इस प्रकार से, और अंदर की साइड सिलाई लगाएंगे। बाद में हम इस पे तुरपाई कर लेंगे। इस प्रकार से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए बिल्कुल बराबर बराबर मोड़ते हुए और सिलाई लगा देंगे। और बाद में हमें इस पे तुरपाई करनी है। ये देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है और इसको सीधा कर लिया है। ये देखिए फ्रिल्स कितनी सुंदर लग रही हैं। अब एक सिलाई बिल्कुल यहाँ फिनिशिंग के लिए किनारी की लगाएंगे और जो ये वाली सिलाई है ये तुरपाई करने के बाद हटा देंगे और यहाँ फिनिशिंग के लिए सिलाई लगाऊंगी। और इसी प्रकार से मैं पीछे के हिस्से पे ये फ्रिल्स बनाऊंगी, यानी ये डिजाइन इसी प्रकार से बनाऊंगी दोनों साइड बराबर बराबर। ये देखिए मैंने बैक साइड भी फ्रिल्स निकाल ली है छोटी छोटी। अब हम दोनों हिस्सों को इस प्रकार से मिलाएंगे और तीरा जॉइंट करेंगे और तीरे के साथ जो ये फ्रिल्स वाली जो ये पट्टी है इसको भी जॉइंट करेंगे। इस प्रकार से दोनों हिस्सों में बिल्कुल बराबर मिलाते हुए ये देखिए मैंने तीरे जॉइंट कर लिए हैं और ये डिजाइन इस प्रकार से दिखने वाला है। कितना सुंदर लग रहा है, ये बिल्कुल अभी ट्रेंड में है। ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगने वाला है। एक बार आप ट्राई जरूर कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सिलाई से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं।